HM the most studied mind in the history of mankind. HM जब छोटा था तो बचपन में उसका एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से उसे इंटरनल ब्रेन इंजरी हो गई थी। जब से उसका ये एक्सीडेंट हुआ था तब से उसे एपिलेप्सी के सीजर्स यानी कि मिर्गी के दौरे पड़ने शुरू हो गए थे और जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा था उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। दवाइयाँ भी अब उसके ऊपर कम असर करने लग गई थी। इसकी वजह से डॉक्टर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और जब तक वो 20 साल का हुआ उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ये टाइम है 1940 से 1950 का। उस समय तक न्यूरोलॉजिस्ट को ये समझ आ चुका था कि बहुत से सीजर जो हैं मिर्गी के दौरे वो ब्रेन के मीडियल पोर्शन ऑफ टेम्परेरर लोब से ओरिजिनेट होते हैं और इसके बाद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन में स्प्रेड हो जाते जिसकी वजह से बहुत से वायलेंट सीजर्स यानी कि मिर्गी के दौरे होते हैं और इसकी वजह से लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो जाता है। उस समय के एक बहुत ही फेमस न्यूरोसर्जन थे जिनका नाम था स्कोविल। उन्होंने इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए हेनरी की न्यूरोसर्जरी करने का डिसाइड किया। उस समय न्यूरोलॉजिस्ट का मानना था कि अगर हम सर्जरी से उस रीजन ऑफ ब्रेन को रिमूव कर दें जहां से सीजर स्टार्ट होते हैं यानी कि जहां से मिर्गी का दौरा ओरिजिनेट होता है तो हम एपिलेप्सी को रोक सकते हैं और इस एरिया को सीजर फैक्टर भी कहते हैं। फिर HM की सर्जरी कर दी गई और उसके हिप्पोकैम्पस को रिमूव कर दिया गया। सर्जरी के बाद HM की एपिलेप्सी की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो गई और जैसे कि ये सर्जरी बहुत ही रिस्की थी और इसमें ब्रेन डैमेज के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा थे तो इस सर्जरी को एक बहुत ही बड़ी सक्सेस और अचीवमेंट माना गया। पर कुछ दिनों के बाद HM के फैमिली मेंबर्स और फिजिशियन ने ये रियलाइज़ किया कि HM को कुछ नए तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। जो इंसिडेंट जो इवेंट्स उसकी सर्जरी के पहले के थे वो सारी बातें तो उसको याद हैं पर सर्जरी के बाद जो भी बात 10 या 15 मिनट से ज़्यादा पुरानी हो जाए वो उसको बिल्कुल भी याद नहीं रख पाता। उसे ये भी नहीं याद रहता कि उसने थोड़ी देर पहले अपनी फैमिली मेंबर से क्या बात की थी पर उसे सर्जरी से पहले वाली सारी ही बातें याद थी। HM को स्टडी करने के लिए और ऑब्जर्व करने के लिए साइकोलॉजिस्ट ब्रिंडा मिलर को वहाँ पर भेजा गया। उसको स्टडी और ऑब्जर्व करने के बाद जब उसके कॉग्निटिव स्किल्स को टेस्ट किया गया तो टेस्ट में ये पता चला कि सर्जरी के बाद HM की इंटेलिजेंस अबव एवरेज हो गई है। उसको कोई भी लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है, ना ही उसकी पर्सनालिटी में कोई चेंज आया था और ना ही मोटिवेशन में। पर जब उसका मेमोरी टेस्ट किया गया तो उसका रिजल्ट बिलो नॉर्मल आया। हिप्पोकैम्पस रिमूव करने के बाद उसके कॉग्निटिव फंक्शंस तो इंटैक्ट थे पर कुछ सिलेक्टिव एरिया ऑफ मेमोरी में इशू आ गए थे। HM की शॉर्ट टर्म मेमोरी तो बिल्कुल नॉर्मल थी जिसमें आती है सेंसरी मेमोरी और वर्किंग मेमोरी पर वो इस इंफॉर्मेशन को अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर नहीं कर पा रहा था। न्यूरोसाइंटिस्ट कोविल ने अपने सर्जिकल रिपोर्ट में बताया कि HM की सभी हेमिस्फीयर में से हिप्पोकैम्पस को रिमूव कर दिया गया था। जब उसके ब्रेन की हाई रेजोल्यूशन न्यूरोइमेजिंग की गई MRI स्कैन किया गया तो पता चला कि हिप्पोकैम्पस के साथ साथ सराउंडिंग कॉर्टेक्स भी रिमूव हो गया है। फिर जो सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आया कि क्या हिप्पोकैम्पस ज़रूरी है लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए। फिर दूसरे पेशेंट्स के ऊपर स्टडी करने के बाद ये पता चला कि कोई भी इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में तभी जाती है जब वो इंफॉर्मेशन हिप्पोकैम्पस में कंसोलिडेट होती है। तो जब HM का हिप्पोकैम्पस रिमूव कर दिया गया तो उसकी मेमोरी कंसोलिडेट नहीं हो पा रही थी, इसकी वजह से उसकी जो भी इंफॉर्मेशन उसके दिमाग में होती थी वो स्कैटर्ड हो जाती थी। इसके लिए सर्जरी के बाद उसकी कोई भी लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं बन पा रही थी। HM का ब्रेन ह्यूमन हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट स्टडीड माइंड माना जाता है क्योंकि उसके जीते जी भी उसके ऊपर बहुत से टेस्ट किए गए और यहाँ तक कि जब उसकी डेथ हो गई तो उसके ब्रेन को प्रिजर्व किया गया, उसे स्कैन किया गया और उन सभी पीसीस की फोटोग्राफ ली गई, फिर उनका डिजिटल मैप बनाया गया इस लेवल तक कि हर एक इंडिविजुअल न्यूरॉन सेपरेट हो जाए और उसके बाद उसके बेसिस पे बहुत सी स्टडीज़ की गई। कहा जाता है कि उसके ब्रेन के बेसिस पे कम से कम 100 साइंटिस्ट ने अपनी स्टडी दी है।
इसलिए ह्यूमन साइकोलॉजी हिस्ट्री में उसका ब्रेन वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल ब्रेन माना जाता है।